पुलवामा की घटना को लेकर पहले ही देश में गुस्सा बना हुआ है, लेकिन नेता हैं कि विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे। अभिनेता से राजनेता बने कमल हासन अब एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर और पीओके को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। हालांकि बाद में अब उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी है। जम्मू कश्मीर में जब भी कुछ होता है, यहाँ जनमत संग्रह की मांग जोर पकड़ने लगती है। अब जब घाटी में पुलवामा जैसी घटना को अंजाम दिया गया, तो एक बार फिर इसकी मांग उठाई जा रही है। लेकिन इस बार जनमत संग्रह की मांग किसी अलगाववादी नेता ने नहीं, बल्कि तमिलनाडु में अपनी पार्टी मक्कल निधि मय्यम बनाने वाले अभिनेता कमल हासन ने उठाई है। दरअसल कमल हासन चेन्नई में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कश्मीर नीति के सवाल पर उन्होंने कहा कि आज देश के जवान क्यों बलिदान दे रहे हैं, हमारे घर के बाहर चौकीदार क्यों जिंदगी न्यौछावर कर रहे हैं। हासन ने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के राजनेता ठीक तरह से व्यवहार करें तो किसी को कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन शांति का राग अलापते अलापते हासन कुछ ऐसा कह गए जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जनमत संग्रह क्यों नहीं कराया जा रहा, भारत सरकार किससे डरती है। उन्होंने कहा कि कई संगठन इस मांग को उठाते रहे हैं कि कश्मीरियों को भारत के साथ रहना है या फिर पाकिस्तान के साथ, इसे लेकर जनमत संग्रह करवाया जाना चाहिए। हासन ने कहा कि अगर भारत खुद को बेहतर देश के रूप में साबित करना चाहता है तो उसे इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए। इतना ही नहीं, इस दौरान हासन ने पाक अधिकृत वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर तक करार दे दिया। हासन ने कहा कि आजाद कश्मीर में वह ट्रेन में जिहादियों की तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उन्हें हीरो की तरह प्रदर्शित किया जा सके। यह एक मूर्खतापूर्ण कार्य है और भारत भी इस तरह की मूर्खता कर रहा है। वैसे कमल हासन के इस बयान के बाद अब घमासान छिड़ गया है, सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि कमल हासन का यह बयान इस विवाद को कहां ले जाता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।